नमस्कार दोस्तों, कैलाश पर्वत की दिव्यता खोजियों को ऐसे ही आकर्षित करती रही है जैसे खगोलविद आकाशगंगाओं की दमकती आभा को देखकर सम्मोहित हो जाते हैं। शताब्दियों से मौन खड़ा कैलाश पर्वत संसार के पर्वतारोहियों और खोजियों को चुनौती दे रहा है, लेकिन महादेव के घर को देखना तो दूर की बात, कोई उसकी तलहटी में जाकर खड़ा भी नहीं हो पाता। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर झंडा लहरा चुका मानव आखिर कैलाश पर्वत पर आरोहण क्यों नहीं कर सका? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे अनुभवों के आधार पर जो ये बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना वाकई बहुत ही कठिन कार्य है। कैलाश पर्वत की सुंदरता, वहां सर्वत्र व्याप्त अदृश्य आध्यात्मिक तरंगों ने संसार में सबसे अधिक रूसियों को प्रभावित किया है। साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत के क्षेत्र में लगे रहते हैं। यहाँ की प्रचंड आध्यात्मिक अनुभूतियों के रहस्यों का पता लगाने के लिए वे जान का जोखिम तक उठा लेते हैं। इन लोगों के अनुभव बता रहे हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एजिंग बहुत ही तेजी से होने लगती है। भयानक अनुभवों से गुजर कर आए उन लोगों ने बताया कि वहां बिताया गया एक दिन एक माह के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है। शुरुआती दौर में चीन ने दुनिया के धुरंधर क्लाइंबर्स को कैलाश पर्वत आरोहण की अनुमति दी थी, लेकिन सैकड़ों प्रयास असफल रहे। बाद में चीन ने यहां आरोहण की अनुमति देना बंद कर दिया। ऐसे ही एक बार चार पर्वतारोहियों ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलधारी तक पहुँचने की योजना बनाई। इनमें से एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और दो रूसी थे। बेस कैंप से चारों कैलाश की ओर निकल पड़े। बताते हैं कि वे कुशल पर्वतारोही थे और काफी आगे तक गए। एक सप्ताह तक उनका कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी आंखें अंदर की ओर धस गई थी, दाढ़ी और बाल बढ़ गए थे, उनके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वे 8 दिन में ही कई साल आगे जा चुके हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दिग्भ्रमित अवस्था में उन चारों ने कुछ दिन के बाद ही दम तोड़ दिया। 19वीं और 20वीं सदी में कई बार कैलाश पर्वत पर फतेह के प्रयास किए गए। जिन लोगों ने अपने विवेक से काम लिया और आगे जाने का इरादा छोड़ दिया, वे लोग तो बच गए, लेकिन दुस्साहसी लोग या तो पागल हो गए या जान गंवा बैठे। कैलाश की परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट है जहां पर आध्यात्मिक शक्तियां चेतावनी देती है। यहां मौसम बदलता है और ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है। व्यक्ति को यहां पर बेचैनी होने लगती है। अंदर से कोई कहता है कि यहां से चले जाओ। जिन लोगों ने इस चेतावनी को अनसुना किया, उनके साथ काफी बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटककर अपनी जान गंवा बैठे। सन 1128 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश पर जाने में सफल रहे थे। मिलारेपा ही मानव इतिहास के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वहां जाने की आज्ञा मिली थी। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मूलदाशे ने कैलाश पर्वत पर काफी शोध किए हैं। वे कई बार चीन से विशेष अनुमति लेकर वहां गए हैं। कैलाश की चोटी को वे 800 मीटर ऊंचा हाउस ऑफ हैप्पी स्टोन कहते हैं। उन्होंने अनुभव किया है कि कैलाश के 53 किलोमीटर परिक्रमा पथ पर रहने से एजिंग की गति काफी बढ़ने लगती है। यहाँ पर दाढ़ी, नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कैलाश पर्वत की तलहटी के संपर्क में आते ही एक दिन में आयु एक माह बढ़ जाती है। इस हिसाब से वहां पर एक माह रहने में ही जीवन के लगभग 2.5 साल खत्म हो जाएंगे। सन 2004 के सितंबर में इसी तथ्य का पता लगाने के लिए मास्को से रशियन अकेडमी ऑफ नेचुरल साइंसेज के यूरी जकारोव ने अपने बेटे पॉल के साथ कैलाश पर्वत जाने की योजना बनाई। वे गैरकानूनी ढंग से तलहटी के करीब पहुंचे और कैंप लगा लिया। उन्हें अभी एक दिन ही हुआ था कि एक रात ऐसा अनुभव हुआ कि अगली सुबह उन्होंने वापस आने का फैसला कर लिया। रात लगभग 3 बजे बेटे पॉल ने झकझोर कर यूरी को जगाया और बाहर देखने के लिए कहा। यूरी ने जब बाहर देखा तो वे अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि कैलाश के शिखर पर रोशनियां फूट रही थी। प्रकाश के रंग बिरंगे गोले एक एक करके आते जाते और बुलबुलों की तरह फूटते जाते थे। कुछ पल बाद उसी स्थान पर अनगिनत स्वास्तिक बनते दिखाई दिए। यूरी और उसके बेटे की आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे। वे एक अदृश्य शक्ति को अनुभव कर रहे थे। उनके भीतर एक अनिवार्चनीय आनंद फूट रहा था। यूरी समझ गए कि वे परम सत्ता के घर के सामने खड़े हैं और इस काबिल नहीं है कि वहां कदम रख सके। इसके बाद उन्होंने सुबह होते ही वापस जाने का फैसला किया। आखिर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो कैलाश के पास जाते ही उम्र तेजी से बढ़ने लगती है? कदाचित यह महादेव का सुरक्षा कवच है।
जो बाहरी लोगों को उनके घर से दूर रखने का उपाय है। वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और पर्वतारोहियों ने इसका साक्षात अनुभव किया है। लेकिन कैलाश पर्वत के पास ही ऐसा क्यों होता है? इसका ठीक ठीक जवाब किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत सच में महादेव का घर है और इसी वजह से आज तक कोई उस पर चढ़ नहीं पाया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।